हेलो फ्रेंड्स, द मॉर्निंग न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं आसिफ नज़ीर। दोस्तों, डिस्कस कर लेते हैं आज की न्यूज़। आज है 28 नवंबर और हम डिस्कस कर रहे हैं द हिंदू। तो आइए आज की न्यूज़ की शुरुआत करते हैं स्पोर्ट्स से, राइट। तो देखिए, आर अश्विन जो है वो 300 विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बन गए हैं, राइट। तो ये देखिए रिकॉर्ड, पहले नाम था ये डेनिस लिली के नाम था और इन्होंने 56 टेस्ट में ये कारनामा अंजाम दिया था और आर अश्विन ने 54 टेस्ट में ही 300 विकेट लेके इनका रिकॉर्ड को तोड़ दिया, ठीक है। और इनका देखिए स्ट्राइक रेट जो है वो भी काफ़ी अच्छा है, 52.1 है। और इसके अलावा देखिए ये लिखा गया है कि जो सारे विकेट इंडिया के द्वारा लिए गए हैं, ही हैज़ टेकन 32.97% ऑफ इंडियाज़ विकेट्स ओवरऑल, ठीक है। तो 32.97% इनका परसेंटेज है सारे इंडिया के जितने विकेट लिए गए। और अगर विनिंग की बात की जाए तो ये और बढ़ जाता है, मतलब जितने मैच इंडिया ने जीते हैं उसमें इनका 35.38% रेशियो है, राइट। तो एक बहुत बड़ा, और ये देखिए इंडिया ने ये मैच भी जीत लिया है और श्रीलंका का जिसके साथ जिनका जो सेकंड टेस्ट चल रहा था तो उसको इंडिया ने इनिंग एंड 239 रन से इसको जीत भी लिया है, ठीक है। और ये बहुत ही लाइमलाइट हाइलाइटेड केस हदिया का, कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसको। तो ये लव जिहाद का मामला कहा जा रहा था, लेकिन देखिए फाइनली कल क्या हुआ, हदिया कल सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई और सुप्रीम कोर्ट ने उसे फ्री कर दिया। और फ्री का मतलब ये है कि उन्होंने कहा है कि चूंकि वो उनकी इंटर्नशिप चल रही है होम्योपैथ की, तो उनको कहा कि आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, राइट। तो उनको अलाउ कर दिया है वहाँ हॉस्टल में जाने के लिए। और उन्होंने कहा है, कोर्ट रिकॉर्डेड हर कंसेंट टू रिज्यूम हर स्टडीज़ एंड डायरेक्टेड द सलेम कॉलेज टू अलाट हर हॉस्टल रूम, ठीक है ना। तो उन्होंने कॉलेज से डायरेक्ट भी किया कॉलेज को कि उसको रूम प्रोवाइड किया जाए क्योंकि उनकी 11th महीने की इंटर्नशिप कंप्लीट करनी है, राइट। तो देखिए हदिया ने क्या कहा, हदिया ने कहा है कि वो 11 महीने से अनलॉफुल कस्टडी में थी, ठीक है ना। अनलॉफुल कस्टडी ये चूँकि इनके हालांकि पेरेंट्स के ही पास थी ये, लेकिन पेरेंट्स ने उसको चूँकि ये शादी कर चुकी है तो इसलिए पेरेंट्स ने उसको घर में रखा हुआ था, राइट। और ये कहा जा रहा था कि लव जिहाद का केस है और ज़बरदस्ती इसके ये कन्वर्जन हुआ इसका। तो ये सारी चीज़ें थी। तो इसमें देखिए हदिया ने एक चीज़ कही है, उसने जस्टिस से कहा है कि फ्रीडम रिलीज़, मतलब उसे दो ही चीज़ चाहिए, दिक्कत थी मुझे आज़ादी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो देखिए इस केस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, इस केस में हैबियस कॉर्पस रिट यूज़ हुई है, ठीक है ना। हैबियस कॉर्पस रिट क्या होती है, देखिए हमारे वहाँ रिट पेटिशंस होती हैं। तो रिट पेटिशंस जो होती हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, एक रिट पेटिशन है 226 जो जिसमें आप फाइल कर सकते हैं उसको हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में फाइल करने के लिए आर्टिकल 226 का यूज़ करेंगे, और अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में फाइल करनी हो तो आप आर्टिकल 32 का यूज़ करेंगे, राइट। और ये कब फाइल होती है, जब भी आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तब इसको फाइल किया जाता है, ठीक है ना। अगर आपको जितने फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उसमें अगर किसी एक का भी हनन होता है तो आप ये रिट फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिट कितनी सारी है देख लेते हैं। देखिए एक ये है, सबसे पहली हैबियस कॉर्पस, दूसरी है मेंडमस, तीसरी है प्रोहिबिशन, चौथी एक्को वारंटो, ठीक है, और ये एक और है पाँच सर्टियोराई, ठीक है ना। तो ये पांच रिट्स हैं। तो ये जो रिट दाखिल की गई थी हदिया वाले जो केस है, तो ये हैबियस कॉर्पस है। हैबियस कॉर्पस में क्या होता है, ये देखिए यूज़ की जाती है बाय द कोर्ट टू फाइंड आउट इफ़ द पर्सन हैज़ बीन इलीगली डिटेन, ठीक है ना। तो ये हदिया का केस यही था कि इसको इलीगली एक तरीके से डिटेन किया गया था, रखा गया था, तो इसीलिए ये हैबियस कॉर्पस रिट यूज़ की गई थी, ठीक है। तो इफ़ द आंसर इज येस द कोर्ट कैन ऑर्डर हिज रिलीज़, ठीक है ना। तो कोर्ट ने देखिए ये हैबियस कॉर्पस का ही रिट यूज़ करके उसको फ्री कर दिया है और उसके डिटेंशन से, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी इस हदिया केस में, और वैसे कुछ है नहीं हमारे लिए इम्पोर्टेंट। हम हैबियस कॉर्पस और इसके जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, राइट। और ये देखिए कल अहमदाबाद में थे पीएम, तो ये सब पॉलिटिकल चीज़ें हैं, वहाँ पे रैली कर रहे हैं, इलेक्शन होना है वहाँ पे। देखिए आधार केस से रिलेटेड अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाए जाने की बात हो रही है, तो बहुत सारे केसेस हैं आधार से रिलेटेड। तो उसको कहा है सीजीआई ने कि ये अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई जाएगी, राइट। और दिखा है सीजीआई दीपक मिश्रा ऑन मंडे सेड दैट ही विल कंसिडर लिस्टिंग सून द क्लच ऑफ द पिटिशंस
अगेंस्ट द आधार स्कीम बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बेस बना के जितनी सारी ये पिटीशन पड़ी हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि ये देखिए पहले ही 30 अक्टूबर को ही इन्होंने इंडिकेशन दे दिया था, और जब ये सुनवाई हो रही थी किससे रिलेटेड, द वैलिडिटी ऑफ द स्कीम फ्रॉम नवंबर लास्ट वीक, ठीक है ना। तो उन्होंने उस वक्त ही कह रहे थे और पिटीशन हैव बीन इन लिम्बो सिंस 2014। तो ये सारी पिटीशन जो है 2014 से ही ये कह रहे हैं कि एक तरीके से पड़ी हुई है और इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ठीक है। तो ये अब देखना है कि इस पर क्या फैसला आता है। और ये एक न्यूज़ है, वोटर लिस्ट वनली इन देवनागरी फॉर यूपी पोल्स। देखिए एक जो लिस्ट होती है जिसमें लोगों के नाम होते हैं, तो इलेक्शन कमीशन जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन जो जारी करता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन लोकल इलेक्शन के लिए, ठीक है ना। अगर ये असेंबली का इलेक्शन होता है या जनरल इलेक्शन होता है तो उसमें इलेक्शन कमीशन शामिल होता है, इलेक्शन कमीशन सारे काम देखता है। लेकिन जो लोकल इलेक्शंस होते हैं नगर पालिका, नगर पंचायत और जितने भी उसके अलावा और भी जितने होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा है, उसने कहा है कि वोटर लिस्ट फॉर द म्यूनसिपल इलेक्शन विल बी मेड अवेलेबल ओनली इन देवनागरी स्क्रिप्ट। चूँकि एक लखनऊ बेस्ड एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने डिमांड की थी कि उर्दू चूँकि सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है इसलिए उर्दू में भी ये होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसी पर ये इन्होंने रिस्पॉन्ड किया है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं कौन सी न्यूज़ है। हाँ ये देखिए, ये जो पिक्चर दिख रही है आप लोगों को इलाहाबाद की होगी, तो ये इलाहाबाद में माघ मेला आयोजित किया जाता है, ठीक है ना। तो माघ मेला के बारे में थोड़ा सा देख लें। देखिए माघ मेला जो है ये हर साल हिंदू पंचांग के अनुसार कह रहे हैं 14 या 15 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि लगभग सभी जितने मेन तीर्थ स्थल हैं सब पे मनाया जाता है, लेकिन जो प्रयाग का जो मेला है वो कह रहे हैं कि सबसे पवित्र माना जाता है और सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, ठीक है। तो ये देखिए जनवरी में आयोजित होता है मकर संक्रांति के दिन, और महाशिवरात्रि के दिन फरवरी में ये ख़त्म होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर के कंटेक्स्ट में हमने इसको देखा। और फिर आगे देखिए, राइट बॉडी डिमांड फॉर फेयर प्रोब इन टू उमर खान। देखिए जो काउ विजिलेंटिज्म का भी केस हुआ था राजस्थान में, तो उमर खान को ये मर्डर हुआ था, तो उसमें जो ह्यूमन राइट्स के कुछ ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने डिमांड की है कि इसमें फेयर प्रोब हो, राइट। तो ये सारी ये न्यूज़। और एक सेकेंड, तो यहाँ पे कुछ है नहीं। और ये सारे ऐड, हाँ ये देखिए न्यूज़ है, वेन तेलंगाना बीट आंध्रा इंडेज टू होस्ट इवांका। इवांका ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप की जो बेटी है उनको एक वहाँ पे समिट होने जा रही है, तो इन दोनों में काफ़ी रेस थी दोनों लोगों में कि हमारे वहाँ ये समिट हो और एपी और तेलंगाना में, तो फाइनली ये समिट तेलंगाना में होने जा रही। तो वही न्यूज़ है कि एट द मच हाइप्ड ग्लोबल एंटरप्रेन्योर समिट, वाइट हाउस एडवाइजर इवांका ट्रंप विल बी तेलंगाना प्राइड एंड आंध्र प्रदेश एनवी, ठीक है ना। तो ये इस समिट में वो आ रही हैं इवांका ट्रंप, ये पार्टिसिपेट करेंगी। और ये आप लोगों को चार मीनार की पिक्चर देख सकती है, ठीक है। ये देखिए एक न्यूज़ है, एच हाई कोर्ट ऑर्डर रिलीज ऑफ द अमेरिकन शिप क्रू। हुआ यूँ था कि कुछ क्रू मेंबर थे, अमेरिकन शिप थी, तो वो लोग क्या किए गए थे, वो तमिलनाडु के कुछ कोस्टल रीजन में इनको पकड़ा गया था, तो लोकल कोर्ट ने इनको आर्म्स एंड एमिनेशन एक्ट के तहत इनको गिरफ्तार करवा लिया था, ठीक है ना। तो जिसमें क्या होता है 5 साल तक की सज़ा हो जाती है। तो इन्होंने फिर इसको चैलेंज किया हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने 35 मेंबर जो थे इनको रिलीज़ कर दिया, ठीक है। तो इनके पास चूंकि आर्म्स वगैरह पाए गए थे इसलिए इन पे ये देखिए चार्जेस जो लगे थे, सेक्शन 25 1A 1B 1C आर्म्स एक्ट 1959, ठीक है। और इसके अलावा ऑब्जर्व दैट सेक्शन 45A ऑफ द आर्म्स एक्ट प्रोटेक्टेड द क्रू एंड गार्ड्स फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। तो ये सारी चीज़ें इन पर लगी थी, लेकिन इन्होंने कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जो मैं पढ़ रहा हूँ, द कोर्ट ऑब्जर्व दैट द मैप रिलाइड अपॉन द प्रोसिक्यूशन टू सब्सटेंशिएट द बेस लाइन लैटिट्यूड, ठीक है ना। ये बेस लाइन जो होती है इसी से हमारी जो हमारे सीज होते हैं तो उस पर हमें हमारा जो एरिया होता है, हमारा जो टेरिटोरियल एरिया होता है, अभी मैं आगे दिखाऊंगा आप लोगों को, कंटिजुअस एरिया होता है इसी बेस लाइन से ही डिफाइंड होता है, ठीक है ना। तो यही कह रहे हैं कि ये द शिप हैड नो क्रीडेंस एंड इट कुड नॉट बी एक्सेप्टेड, इट इज़ ऑल्सो रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ द इनोसेंट पैसेज अंडर द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी।
सीज, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने ऐसा कहा है कि हम मतलब एक कोई सब्सटेंशिएट हमारे पास वो नहीं है कि इनको मतलब कि इन्होंने हमारी बेसलाइन में या हमारे इस हमारे एरिया में इन्होंने उसको क्रॉस किया, ठीक है ना, इस टाइप से इन्होंने कहा है। और कोर्ट ऑब्जर्व दैट द प्रोसिक्यूशन हैड फेल्ड टू प्रूव दैट देयर शिप वॉज इंटरसेप्टेड बाई द इंडियन कोस्टल गार्ड विद इन द टेरिटोरियल लिमिट ऑफ द बारह नॉटिकल माइल, ठीक है ना। तो इन्होंने यही कहा है कि मतलब कोस्ट गार्ड जो है वो एक तरीके से प्रूव नहीं कर पाए कि इनकी जो शिप थी वो हमारे टेरिटोरियल एरिया में थी, तो इसीलिए इनको फ्री कर दिया गया। तो UNCL ये है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ लॉ ऑफ सी, इसको देख लेते हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, UNCLOs। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी जो है, ये देखिए आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन भी कहा जाता है, ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है राइट, और रिलेटेड टू लॉ ऑफ सी से रिलेटेड, ठीक है। और ये देखिए ये अमल में ये आया था विच टुक प्लेस बिटवीन 1973 1982, लेकिन UNCLOs देखिए केम इन टू फोर्स ये 1994 में आया था, ठीक है ना, और कन्वेंशन को कंक्लूड 1982 में हुआ था, और लेकिन ये इफेक्ट 1994 में आया था, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं इसको, देखिए साइंड 1982, इफेक्टिव 1994, ठीक है, और 150 सिग्नेटरीज हैं इसके। थोड़ा सा हम इसको मैप के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे, ये देखिए, हाँ ये देखिए, देखिए ये बेस लाइन है, ठीक है, तो इसको बेस लाइन इन्होंने माना यहाँ से। अब यहाँ से ये 12 नॉटिकल माइल जो है ये इसको कहा जाता है टेरिटोरियल एरिया, देख रहे हैं आप, ये वाला जो पोर्शन है ये है 12 नॉटिकल माइल, यहाँ तक ये है टेरिटोरियल एरिया। इसके बाद यहाँ से फिर 12 नॉटिकल माइल यानी कि टोटल 24 नॉटिकल माइल ये इसको कहते हैं कंटिजुअस एरिया राइट। फिर उसके बाद यहाँ से आपके 200 ये नॉटिकल माइल तक ये होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में क्या होता है, आपका कंट्री का जो कंट्री यहाँ पे है, ठीक है ना, जिस कंट्री के आसपास का एरिया है ये, तो उसको सेवरन राइट होता है कि वो एक्सप्लोर कर सकती है, ठीक है, एक्सप्लोर, इसके अलावा कंजर्विंग एंड मैनेजिंग लिविंग एंड नॉन लिविंग रिसोर्सेज ऑफ द वाटर सी बेड एंड सब सॉइल, ठीक है। तो इस एरिया में जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सप्लॉयट कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये जो होता है, ये देखिए एरिया जो होता है इसको पोटेंशियली क्लेमेबल एरिया कहते हैं, ये 350 नॉटिकल माइल तक होता है। तो सोवरेन राइट्स ऑफ द एक्सप्लोरिंग एंड एक्सप्लॉयटिंग नॉन लिविंग रिसोर्सेज एंड सी बेड एंड सब सॉइल, ठीक है ना, यहाँ पे लिविंग रिसोर्सेज था, यहाँ पे नॉन लिविंग रिसोर्सेज था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये देखिए ये भी अगर और ज़्यादा क्लियर अगर कर सकूँ, देखिए ये 12 नॉटिकल माइल टेरिटोरियल, 24 कंटिजुअस, 200 नॉटिकल माइल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आप याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बढ़ते हैं आगे, ये देखिए विवेकानंद की 125वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही है, जबकि वो इस केरला को विजिट किया था उन्होंने, तो वैसे इम्पोर्टेंट है नहीं। देखिए एक का दाम बढ़ता जा रहा है, तो एक कह रहे हैं कि एक डिसअपियर्स फ्रॉम द प्लेट्स इन मेनी आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ीज में चूंकि ये एक को दिया जाता है, तो ये कह रहे हैं कि अब उसका दाम धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो वो अब वहाँ की आंगनवाड़ीज की प्लेट से धीरे धीरे ये ख़त्म हो रहा है। तो देखिए आंगनवाड़ीज में क्या होता है, चूँकि प्रेगनेंट वुमेन या लैक्टेटिंग मदर्स को और बच्चों को भी दिया जाता है, ठीक है ना, 3 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं तो उनमें इन लोगों को दिया जाता है, तो इसलिए प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि ये क्या होता है, अंडे में क्या होता है, इट्स अ सोर्स ऑफ प्रोटीन विथ ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। लेकिन ये कह रहे हैं कि अब महंगा होता जा रहा है, इसलिए अब इसको प्रोवाइड भी वहाँ पे नहीं किया जा रहा है राइट। और बेंगलुरु में जो स्कीम है, इसकी वो उसका नाम बता देता हूँ, स्कीम है मथुरु पूर्णा प्रोग्राम राइट, मथुरु पूर्णा प्रोग्राम है। तो ये देखिए डिमांड की वजह से इसका दाम बढ़ गया, ठीक है। देखिए इरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड लेबर विल क्रिएट जॉब फॉर यूथ, ये कला सत्यार्थी हैं, नोबेल प्राइज नोबेल लॉरिएट हैं, जिन्होंने कहा है कि मिलियन ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज कुड बी क्रिएटेड फॉर द अनएम्प्लॉयड इफ चाइल्ड लेबर वॉज इरेडिकेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा है कि अगर चाइल्ड लेबर को ख़त्म किया जाए तो बहुत सारी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ पैदा की जा सकती है राइट। तो नेक्स्ट न्यूज़ ये देखिए पॉलिटिकल न्यूज़ है, और ये फिर वही सारी हदिया की पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है, ये देखिए कैसे कैसे क्या हुआ ये, तो इसमें हमारे काम का कुछ है नहीं, ठीक है ना।
सुप्रीम कोर्ट ने बस इतना कहा इसमें, देखिए हदिया का केस जो है वो उन्होंने कहा कि यूनिक यूनिक केस है। जस्टिस मिश्रा ने कहा है कि मैंने कम से कम 100 हैबियस कॉर्पियस जो रिट है उसको इंटरटेन किया है, लेकिन इन सब में ये एक बहुत ही यूनिक केस था। और इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट ने किया क्या है मेन, ये कह रहे हैं कि द कोर्ट वॉज बैलेंसिंग द कंसर्न ऑफ मिस्टर हदियाज ऑटोनॉमी एज एन इंडिविजुअल टू मेक हर ओन चॉइस एंड द कोर्ट्स पावर टू एक्सप्लोर फर्दर हाउ शी मेड द चॉइस बेस्ड ऑन द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मटेरियलिंग क्लेमिंग दैट शी वॉज इंडॉक्ट्रिनेटेड बाई द वेल ऑयल्ड नेटवर्क इन केरला विच वॉज इंटू रेडिकलाइजेशन। तो ये कह रहा है कि उन्होंने एक तरीके से स्ट्राइक बैलेंस करने की कोशिश की है, एक तो इसकी आज़ादी और इसकी चॉइस से, और दूसरी जो इन लोगों ने आरोप लगाया था कि ये जो वहाँ पे केरला में कोई रेडिकलाइजेशन का नेटवर्क चल रहा है जो कि कन्वर्जन का काम करता है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हमने इसमें मेन यही कोशिश की है कि इसको बैलेंस किया जाए, ठीक है, इसकी हदिया की ऑटोनॉमी को और एज एन इंडिविजुअल, ठीक है ना, ताकि वो अपनी आज़ादी से ज़िंदगी जी सके। और ये देखिए एक हॉस्पिटल सर्च डोर्स आर नॉन पारसीज, तो एक हॉस्पिटल था और इन्होंने क्या किया था नॉन पारसीज के लिए इसमें ट्रीटमेंट बंद कर दिया, तो उसको क्या किया गया है, उनको नोटिस प्रोवाइड की गई है, ठीक है। ये तो एक तरीके से ये क्या हुआ, ये कौन सा केस किस केस के अंदर ये आएगा, आप बताइए किस, मतलब इसको आप कौन सा केस मानेंगे इसको, देखिए एक फंडामेंटल राइट का भी तो केस हो सकता है ये, राइट टू इक्वलिटी, आप किसी को धर्म की बेसिस पे आप किसी को ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते ना कि आप सिर्फ पारसीज के लिए होगा नॉन पारसीज के लिए नहीं होगा, राइट, इसीलिए इनको ये नोटिस प्रोवाइड की गई है। और ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, गवर्नमेंट वर्किंग एट न्यू स्टैंडर्ड्स गैसेस के लिए, तो गवर्नमेंट कह रहे हैं कि लुकिंग फॉर प्रिपेयर यूनिफाइड टेस्टिंग मेथोडोलॉजी गवर्नमेंट प्रिपेयर करना चाहती है जो कि इंश्योर कर सके कि सारी जो एजेंसीज हैं वो मिलके एक एक्यूरेट जो है एयर पोल्यूशन से रिलेटेड एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें ताकि जो हमारा रिजल्ट हो वो बिल्कुल सही हो, ठीक है ना। तो इसी के लिए कह रहे हैं कि एक यूनिफाइड टेस्टिंग मेथोडोलॉजी लाने की ज़रूरत है सारे एजेंसीज को मिलके। और इसमें देखिए कितनी सारी ये जो गैसेज होती हैं वो जो टेस्ट की जाती हैं कौन कौन सी हैं, गैसों का स्टैंडर्ड जो होता है रिफरेंस सैंपल जो लिया जाता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, और इसके अलावा पार्टिकुलेट मैटर्स जो होते हैं, इसके अलावा लेड होता है, आर्सेनिक और निकिल, ठीक है। तो इसी को कह रहे हैं कि ज़रूरत है इस बात की एक यूनिफाइड मेथोडोलॉजी तैयार की जाए, राइट। और ये देखिए सीपीसीबी जो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैड प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइंस फॉर द मैक्सिमम परमिसेबल लेवल ऑफ 12 गैसेस एंड पोल्यूटेंट्स डिपेंडिंग अपॉन द रेजिडेंशियल रूरल एंड इंडस्ट्रियल लोकेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें 12 गैसेस ही परमिसेबल हैं इसमें पोल्यूटेंट्स को कंसिडर करने के लिए। अगली न्यूज़ ये एडिटोरियल और देखिए ये मिस्टर आर एन रवि हैं, ये नागा जो पीस एकॉर्ड शामिल हुआ था तो उसके ये इंटरल्यूकेटर है, ठीक है ना। तो इस वक्त दो इंटरल्यूकेटर काफ़ी फेमस हैं, एक दिनेश्वर शर्मा जो कश्मीर इशू को रिजॉल्व करने पे लगे हुए हैं और आर एन रवि जो हैं ये नागा इशू को रिजॉल्व करने पे लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि वहाँ के कुछ और लोगों से ये भी टॉक कर रहे हैं जो अदर ग्रुप्स हैं, हालांकि ईसा का मुआविया ग्रुप ही अपने आप को वहाँ पे लेजिटिमेट ग्रुप मानता है, नागा लोगों को कहते हैं कि वो हम ही लोग रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन और ये छोटे छोटे कुछ जो ग्रुप हैं उनसे बातचीत चल रही है, ठीक है। और जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो साइन हुआ था यूनियन गवर्नमेंट और ईसा मुआविया के ग्रुप के बीच में, वो कह रहे हैं द एग्रीमेंट साइंड एट द रेजिडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो ये कह रहे हैं कि उसको भी ओपन टू ऑल, जिसकी अभी डिमांड भी आई थी कांग्रेस की तरफ से कि इसको डिस्क्लोज किया जाए आखिर इस अकॉर्ड में शामिल किया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ ऑल मेंबर्स वांटेड टू नो व्हेन द डिटेल्स ऑफ द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट विल बी डिस्क्लोज बाय द सेंटर, राइट। तो उसको भी देखिए कह रहे हैं कि इसको ज़रूरत है कि उसको डिस्क्लोज किया जाए। और व्यू शॉट ऑन डेटा प्रोटेक्शन लॉ, देखिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट एक ने एक वाइट पेपर जारी किया है और इसमें ये जानना चाहती है कि डाटा प्रोटेक्शन लॉ जो डाटा की सेंसिटिविटी से जो रिलेटेड इशू हैं उसको एक तरीके से उस पर बहस हो, ठीक है, उस पर पब्लिक की राय जानी जाए, पब्लिक डिस्कशन हो। तो इशू पर्टेनिंग टू एम्बिट व्हाट कॉन्स्टिट्यूट पर्सनल डाटा एंड व्हाट इज सेंसिटिव डाटा एंड द इंटरनेशनल अप्लीकेबल अप्लीकेबिलिटी ऑफ द सच लॉ, ठीक है ना। तो इस पर एक तरीके से
डिबेट और डिस्कशन करने की बात की गई है डाटा प्रोटेक्शन लॉ से रिलेटेड। और देखिए, एक पीआईएल फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और ये पीआईएल थी, सुप्रीम कोर्ट ने इस पीआईएल को स्ट्राइक कर दिया है, ठीक है ना, डिस्पोज कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि हम गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को फोर्स नहीं कर सकते किसी भी लॉ को फ्रेम करने के लिए, राइट। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे सेड दैट इट रिस्पेक्टेड द गवर्नमेंट्स पॉलिटिकल कंपल्सन। कह रहे कि जो गवर्नमेंट की पॉलिटिकल कंपल्सन है हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं। पॉलिटिकल कंपल्शन वुड नॉट कंपेल इट टू रेटिफाई द यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट द टॉर्चर और कमांड इट टू फ्रेम अ स्टैंड लोन एंटी टॉर्चर लेजिस्लेशन। तो देखिए, पीआईएल जो फाइन की गई थी, ये अश्विनी कुमार जो हैं, ये एक्स लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने फाइल की थी। तो उसको इंटरटेन करते हुए सीजीआई ने कहा है कि हम एक तरीके से मजबूर नहीं कर सकते गवर्नमेंट को ये लॉ लाने के लिए, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि उनके भी कुछ पॉलिटिकल कंपल्सन्स होते हैं, तो हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। और ये देखिए मेनली था ये यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर और कमांड इट टू फ्रेम स्टैंडर्ड एलोन एंटी टॉर्चर लेजिस्लेशन, ठीक है ना। तो टॉर्चर जो होते हैं उससे रिलेटेड ये लॉ था, और ये कह रहे थे यूएन कन्वेंशन जो है उसको एक तरीके से लाइन में लाने के लिए ये लाने वाले थे, ठीक है ना, ये जो लेजिस्लेशन था। तो एंटी टॉर्चर लॉ ही अगर कह लें आप लोग, एंटी टॉर्चर लॉ के लिए इन्होंने दाखिल की थी पीआईएल, लेकिन इसको कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। और ये देवनागरी वाली लिस्ट हमने ये डिस्कस कर ली, और ये सारे इलेक्शंस, और पाकिस्तान में आप लोगों को पता होगा प्रोटेस्ट चल रहा था वहाँ पे, और वायलेंस भी हुआ है, 7-8 लोग मरे भी हैं वहाँ पे, 200 से ज़्यादा लोग घायल हैं। तो फाइनली जिसके लिए प्रोटेस्ट चल रहा था, वहाँ के जो मिनिस्टर्स थे, मिनिस्टर के रिजिग्नेशन के लिए, फाइनली उन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया है और स्ट्राइक वहाँ पे ख़त्म हो गई। और बांग्लादेश हाई कोर्ट अपहोल्ड्स डेथ पेनल्टी टू 139 म्यूटिनियर्स, ठीक है। देखिए 2009 में एक म्यूटिनी हुई थी वहाँ पे, तो उसमें 139 लोगों को डेथ पेनल्टी को फिर से अपहोल्ड कर दिया गया है, राइट। इसमें देखिए 74 लोग मर गए थे, जब ये यूजिंग बाई पैरामिलिट्री पर्सन 2009 हैड किल्ड 74 लोगों की डेथ हुई थी इसमें, राइट। और देखिए प्रिंस हैरी जो हैं, ये यूएस की एक एक्ट्रेस हैं, और मेघान मार्केल, उनसे ये शादी करने जा रहे हैं, ठीक है। और ये देखिए, ये हमने इंडोनेशिया में आप लोगों को कल बताया था कि एक वॉलगैनिक इरप्शन हुआ है, तो हमने लोकेशन भी दिखाई थी आप लोगों को, एक मिनट दिखाने की कोशिश करूँगा आज भी आप लोगों को। तो हाँ, ये देखिए यही है बाली में, ठीक है, तो यहीं पे ये वॉलकैनिक इरप्शन हुआ है। कहाँ गया, हाँ ये बाली है, और माउंट आगुंग नाम है इसका, ठीक है, माउंट आगुंग वॉल्केनो, माउंट आगुंग पे ये हुआ है, ठीक है ना। तो ये है आपका बाली, ये है जावा, ठीक है, सेंट्रल जावा, और ये है जकार्ता। तो थोड़ा सा ये आप लोकेशन देख सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये है मेन आपका इंडोनेशिया, ठीक है, ये सिंगापुर है, ये मलेशिया, और ये बुरनोई। तो थोड़ा सा आप ये देखते रहा करें, ये अंडमान सी, ये गल्फ ऑफ थाईलैंड, राइट। और एक और चीज़ आपको इम्पोर्टेंट देखा, तो ये मलाक्का स्टेट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, ये मलाक्का स्टेट, ये बहुत इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट है, ठीक है। तो थोड़ा सा हमने मैप देखा, और बढ़ते हैं आगे। देखिए पोप फ्रांसिस जो हैं वो एशिया के विजिट पे थे, साउथ एशिया की, तो ये म्यांमार मिलिट्री चीफ से भी मिलने वाले हैं, लेकिन उन्हें कह रहे हैं कि बड़ा ये कॉशियस कदम रख रहे हैं, बड़ा डेलिकेट इनका वो है, डेलिकेट विजिट है। और इन्होंने कह रहे हैं कि रोहिंग्यास का इन्होंने एक बार भी नाम वहाँ पे नहीं लिया है, ठीक है ना। तो मतलब काफ़ी अपने आप को एक कदम, मतलब कह रहे हैं फूक फूक के रख रहे, चूंकि कंट्रोवर्शियल इशू है इसीलिए वहाँ पे ये नाम लेना वो नहीं समझ रहे हैं, बेहतर नहीं समझ रहे। देखिए जीएसटी जो है, कलेक्शन जो है, उसमें फिर गिरावट आई है, और सितंबर के मुकाबले इसमें अक्टूबर में, सितंबर में थी कि 92,000 करोड़ था, इस बार 83,000 करोड़ है, ठीक है ना। तो कुछ गिरावट देखने को मिली है, और कह रहे हैं कि कंप्लायंस की भी कुछ कमी इस बार
देखने को मिली है, ठीक है ना। रिड्यूस्ड रेट्स लोअर कंप्लायंस कंट्रीब्यूट टू डिक्लाइन रिवेन्यू। सेंटर ने कहा है कि रेट रिड्यूस अगर रेट कम होगा तो रिवेन्यू कम होगा ना, पैसा तो कम ही आएगा ना आपने रेट कम कर दिया तो। इसके अलावा लोअर कंप्लायंस भी रहा है, लोगों ने कम टैक्स जमा भी किया, ठीक है। इसके अलावा देखिए, इंडिया इजेज बाइलेटरल ट्रांसफर प्राइजिंग नॉर्म्स। इंडिया क्या करती है, क्या करना चाहती है, जो बाइलेटरल जो इनके ट्रांसफर प्राइसिंग नॉर्म्स हैं उनको और ईज करना चाहती है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक और कदम इंडिया आगे बढ़ाना चाहती है। और उन्होंने क्या किया है, इन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑन मंडे इशूड अ क्लैरिफिकेशन सेइंग दैट इट वुड अलाउ म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर, ठीक है ना। तो एक ये म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर, इसके अलावा एक एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट सारे कंट्रीज़ के साथ ये साइन करना चाहते हैं। एबंडनिंग स्टांसेस दैट डिसअलाउड सच एग्रीमेंट विद मेजर ट्रेड पार्टनर लाइक फ्रांस, जर्मनी, इटली, इन सब के साथ ये करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, बिजनेस जो है और आसान होगा, राइट। जो हर्डल्स आ रहे हैं उनको, जो दिक्कत आ रही है उसमें और आसानी आएगी। और ये देखिए, जीएसटी नोट बैन इम्पैक्ट बॉटमिंग आउट सर्वे। तो अब ये कह रहे हैं कि जीएसटी और नोट बैन का जो इम्पैक्ट था वो धीरे धीरे अब उसका असर ख़त्म होता जा रहा है, ऐसा मतलब सर्वे में पाया गया है, ठीक है। और ये देखिए, ट्राई ड्राफ्ट नेट न्यूट्रलिटी नॉर्म्स टुडे। तो ट्राई अथॉरिटी जो है, ट्राई क्या होती है, ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया विल इशू रिकमेंडेशन ऑन द थॉर्नी इशू ऑफ द नेट न्यूट्रलिटी ऑन ट्यूजडे ओवर ऑपरेटर्स, ठीक है ना। तो आज ये इसका नाम्स ड्राफ्ट किया जाना है, तो देखते हैं क्या होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इशू में रहा है ये नेट न्यूट्रलिटी का इशू, राइट। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये डिस्कस कर ले, एनके सिंह जो है वो जो है 15th फाइनेंस कमीशन जो होगा उसके चीफ होंगे, ठीक है ना। तो सेंटर ऑन मंडे अनाउंस द 15th फाइनेंस कमीशन वुड बी हेडेड बाई फॉर्मर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनके सिंह, ठीक है। तो ये याद रख सकते हैं आप। और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस ऑफ फर्स्ट स्टेप, हाँ देखिए, लॉजिस्टिक्स को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दे दिया गया था, तो उसी की तारीफ कर रहे हैं कि सेंटर ने एक अच्छा स्टेप लिया है और इससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन कह रहे हैं इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसको दिक्कत करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो ये लिख रहे हैं, देर आर सेवरल अदर प्रॉब्लम्स दैट नीड टू बी एड्रेस सच एज लैक ऑफ द प्रॉपर रेगुलेटरी ओवरसाइट। तो एक तो प्रॉपर रेगुलेशन की ज़रूरत है, इसके अलावा लैक ऑफ स्किलिंग इन द सेक्टर, ठीक है। तो स्किलिंग भी की भी दिक्कत है, ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे कही है। और दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक